अयोध्या वालों ने मोदी को हराया नहीं बल्कि जिताया है। अयोध्या को कोसने वाले विरोधियों, देख लो ये सबूत। मुसलमान भी मानते हैं अयोध्या में जीते हैं मोदी। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। ये गांधी परिवार के वारिस है राहुल गांधी। इनके लहजे को गौर से सुना आपने। फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार पर जितने खुश बाबरी मस्जिद के चहीते नहीं हुए होंगे, उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी खुश हो रहे हैं और तंज भरे लहजे में कह रहे हैं अयोध्या हार गई बीजेपी। तो वहीं मंच पर मौजूद कांग्रेसी ताली पीट रहे हैं। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राहुल गांधी का ये लहजा बता रहा है कि फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार पर कांग्रेसी कितने खुश हैं और ढोल पीट रहे हैं कि हमने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। लेकिन लगता है राहुल गांधी को शायद किसी कांग्रेसी ने यह ज्ञान नहीं दिया कि बीजेपी अयोध्या नहीं फैजाबाद सीट पर चुनाव हारी है, जिसका सबूत है चुनाव आयोग की ये वेबसाइट, जहाँ साफ साफ लिखा है फैजाबाद में सपाई उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चीख चीख कर कह रही है बीजेपी फैजाबाद सीट पर चुनाव हार गई, लेकिन विपक्ष वाले माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी अयोध्या सीट हार गई। अरे भाई, जिले का नाम भले ही अयोध्या है लेकिन लोकसभा सीट अभी भी फैजाबाद ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस अयोध्या को लेकर विपक्ष मोदी के खिलाफ माहौल बना रहा है, दरअसल वो अयोध्या लोकसभा सीट ही नहीं है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक अयोध्या विधानसभा सीट है और इस सीट पर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 1,00,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। बात यही खत्म नहीं होती। साल 2022 विधानसभा चुनाव में योगी पर भरोसा दिखाने वाले इसी अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी मोदी और योगी पर ही भरोसा जताया है और यहाँ से जिता कर भेजा। फैजाबाद में 5 विधानसभा सीट। दरअसल फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या। इनमें से अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में ही राम मंदिर बना है और यहां के लोगों ने राम मंदिर निर्माण से खुश होकर बीजेपी को जिताया भी है, जबकि बाकी की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। यानी कि विपक्ष का ये दावा भी गलत है कि राम मंदिर निर्माण की वजह से जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए, वो लोग उचित मुआवजा ना मिलने से बीजेपी से नाराज हैं, जिसकी वजह से अयोध्या वालों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जबकि सच्चाई ये है कि अयोध्या वालों ने तो बीजेपी को जिताया है और ये बात अयोध्या के हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मानते हैं। यकीन नहीं तो सबूत देख लीजिए। यहाँ पे दुकान सब तोड़ी गई है। यहाँ जो बीजेपी निकली थी ना, शहर से तो बीजेपी निकल गई ना, शहर से बीजेपी का जब डिब्बा खुला है, सबसे ज्यादा शहर वालों पे ही लग रहा है। शहर वालों जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। बीजेपी जो हारी है वो गांव देहात से हारी है, शहर से नहीं हारी है, आप पता कर लीजिए। शहर से बीजेपी नहीं आ रही है, बीजेपी गांव देहात से हारी है। लेकिन यहाँ की जो जनता जो त्रस्त थी, जो परेशान थी, क्या लगा? परेशानी अपनी जगह है, परेशान तो थी लेकिन अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, लेकिन जो जनता हार, वो जो बीजेपी हारी है, शहर से नहीं हारी है। अयोध्या वालों सभी यार लोग गलत बना रहे हैं। ठीक, फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा है जी, इसमें से एक अयोध्या विधानसभा है। यहाँ से 4,500 से भाजपा जीती है, बाकी जो है 4 विधानसभा से हारी है। अच्छा। और जो 4 विधानसभा है वो अधिकतर गाँव के क्षेत्र हैं। ठीक, वैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव में ही दो जगह पर भाजपा हार गई थी। उसके पहले चुनाव में 5 विधानसभा जीती थी, पिछले में 2 हार गई थी, अब की मैं समझिए 4 हार गई।
असर है बाकी ऐसा कुछ नहीं। अयोध्या वालों के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ कष्ट तो आई है, भाजपा हार गई तो कष्ट तो आई है, लेकिन जो हारना नहीं चाहिए था। लेकिन ये कहो कि अयोध्या वालों ने कोई गलत काम किया तो अयोध्या वालों ने कोई गलत काम नहीं किया। क्या अयोध्या वालों ने वोट नहीं दिया? ऐसा भी नहीं, अयोध्या वालों ने वोट भी दिया है भाजपा को। हाँ अगल बगल विधानसभाओं से हार गई है, सच्चाई है। मोदी के अंत विरोध में अयोध्या हारने की अफवाह फैलाने वाले लोगों को कम से कम दो बातें जरूर जान लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि बीजेपी अयोध्या नहीं फैजाबाद लोकसभा सीट हारी है, और दूसरी बात ये कि अयोध्या में तो बीजेपी चुनाव जीती है, ये बात खुद अयोध्या के लोग कह रहे हैं। तो कम से कम जो लोग फैजाबाद में बीजेपी की हार पर अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, वो एक बार फिर से तथ्यों को जरूर जान ले कि जिस अयोध्या में राम मंदिर बना वहां बीजेपी जीती है, हारी नहीं है। और हाँ, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि फैजाबाद में बीजेपी की हार की वजह से अयोध्या की रौनक खत्म हो गई, उन्हें अयोध्या वालों ने क्या जवाब दिया जरा वो भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? टिंकू। चाचा एक बात बताइए, जैसे 4 तारीख को जब रिजल्ट आया है, यहाँ पर हार हुई है, तो उस पर कुछ असर पड़ा है यात्रियों का? जैसे बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है ना। तो पहले जैसे चलान हो गया है? नहीं, जैसे पहले जो भीड़ होती थी, जो माहौल होता था, भीड़ तो वही है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डाउन हुआ है असर कहीं ना कहीं? हाँ डाउन। हाँ भैया क्या नाम है? पप्पू मिश्रा हमारा नाम है। मिश्रा जी डाउन हुआ है क्या? हाँ बहुत बहुत डाउन हो गया है, बहुत सब सुविधा जान लीजिए जानने बंद हो गया है। क्योंकि अयोध्या वालों को लोग ये कह रहे हैं कि धोखा दिया है, तमाम तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या वाले ऐसे वाले ने जान लगे कुछ जान लगे सब जान लगे जान बूझ के जान लगे हरवा है। जिसका मान लीजिए घर मान लीजिए टूट गया है, वो लाख रुपया करोड़ रुपया का मालिक हो गया, वो नहीं देख रहे हैं कि हमारा जान लगे इतना हमारा कीमत बढ़ गया। क्या हाल है दोस्त? ठीक ठीक है, बढ़िया है सब? सबका रोजगार बढ़िया चल रहा है, कोई तो चल रहा है। लेकिन जो यात्री आपको जो पहले दिखाई देते, जो भीड़ होती थी, उस पे कुछ लग रहा है कुछ कम हुआ? बढ़े हुए हैं इस समय, बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए। हाँ मंगलवार है ना, इसीलिए बढ़े हुए। मंगलवार नहीं कह रहा हूँ मैं, डेली की बात कर रहा हूँ। आप डेली चलते हैं? नहीं कुछ तो घटे हैं, कुछ घटे हैं। हाँ कमाई पर कुछ असर? नहीं कमाई पर वही है जो पहले था, वही है, बस 200-400 रुपए का फर्क है। मतलब रिजल्ट आने से या हार जीत से कोई फर्क नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। हाँ ठीक ही चल रहा है, ठीक है। क्या नाम है दोस्त? क्या नाम है आपका? संदीप नाम है। एक बात बताओ, जैसे मैं ये जान रहा हूँ कि कमाई पर क्या लग रहा है, कुछ असर हुआ है? जैसे 4 तारीख को जब रिजल्ट आया, यहाँ पर बीजेपी हार गई, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी लोग कम आ रहे हैं क्योंकि लगातार अयोध्या वालों को लोग ट्रोल किया जा रहा है, तो आपको भी लगता है कि सवारी कम मिल रही है या कुछ ऐसा प्लस माइनस है? सवारी ज़्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है, और भीड़ तो हमेशा ही रहती थी और अभी भी है वैसे ही। और रही बात ई रिक्शा के, कमाई पे थोड़ा असर हुआ है ई इलेक्ट्रिक बस चलने की वजह से। हाँ वो हाँ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है भीड़ है? जैसे श्रद्धालु जितना पहले आते थे, 19-20 का फर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। हाँ अभी हार जीत से कोई ज़्यादा कोई वैसा वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। श्रद्धा बनी हुई है? श्रद्धा तो है, प्रभु की श्रद्धा है, वो हट थोड़ी सकती है। अब जो होना था वो हो ही गया, क्या कर सकते हैं। चलिए ऐसे घूम रहे, सवारी नहीं मिली? नहीं अभी खड़े थे, उधर जाना है उस पार, तो वहाँ से सवारी मिलेगी, हनुमानगढ़ी से सवारी। कितने बजे तक आप चलते हैं? हम तो रात में चलाते हैं, शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक, दिन में इतना धूप होता है कौन कमा लेते हैं वैसे। अभी तो 700-800 बड़ा मुश्किल से निकल जाता है, 5-6 घंटे में। हाँ ठीक है। क्या नाम भाई? मैं बताऊँ कि अभी जैसे अयोध्या में जो हार हुई है बीजेपी की, आपको पता है ना? हाँ बीजेपी योगी के दोनों गई है। हाँ दोनों हार, ठीक है। तो कमाई पर कुछ असर पड़ा है? जैसे पहले जो भक्त आते थे, भीड़ होती थी, एकदम यहाँ पर भरा रहता था, अभी कम आपको दिखाई दे रहा है या फिर वैसे ही सब कुछ है? नहीं अब वैसा नहीं, कुछ नहीं रहा है यहाँ पे, अब तो नुकसान होने लगा है। नुकसान हो रहा है? हाँ नुकसान हो रहा है, वो पुलिस वाले आते हैं, पानी पूरी फोर के जाते हैं, कहीं पानी डाल के जाते हैं, उस दिन ये ढक्कन टोल दिया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा पहले जैसे। लोकल लेवल पे जो अत्याचार है वो अभी भी चल रहा है? हाँ अभी भी चल रहा है, ये परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, सबको परेशानी। वो दिन में पुलिस वाले आते हैं, सब यहाँ धंधे करने वालों को, गरीब मजदूरों को, सबको यहाँ से भगाते हैं। अच्छा परेशान करते हैं? हाँ मतलब जो गरीब परिवार है या गरीब लोग हैं या जो भी है, उनको कमाने खाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है अयोध्या में कुछ असर? जैसे जब पहले आप जितना कमाते थे, अभी वो उतना नहीं हो रहा है? उतना नहीं हो रहा, जितना हम कमाते थे अब उससे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अभी हमारा धंधा जैसे 1500-1600 रुपये का होता था, अब तो 600-500-700 का हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ
500-700 रुपए का हो रहा है और पहले जो है आप ज्यादा कमाते थे। हाँ, पहले ज्यादा कमाते थे, जब से बीजेपी सरकार हारी है और योगी सरकार हारी है तब से यह धंधे में बहुत असर हो गया है। असर हुआ ना, हाँ। मतलब परेशानी हुई है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। लोग कम भी दिखाई दे रहे हैं वैसे, पहले कचा कच भरा रहता था। हाँ, पहले अच्छा तो चल रहा था सब कुछ, अब लोग कम भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्या हाल है भैया? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। ये बताइए कि जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आया है, बीजेपी की हार हुई है अयोध्या सीट पर और लोग बड़े नाराज हैं, मतलब देश भर के लोग नाराज हैं। खैर, लोकल पे क्या माहौल है वो अलग है, लेकिन देश भर की जनता नाराज है। क्या लग रहा है, श्रद्धालु घटे हैं, कमाई उमाई घटी है या फिर वैसे ही है? तो देखिए, यहाँ पर जब से मंदिर बना भीड़ आती जाती रहती है, 19-20 है और क्या, 19-20 का फर्क है। और बाकी तो मोदी जी योगी जी ने तो आमदनी का जरिया सबका बना दिया, रोजगार दे दिया, ये हम लोग को रोजगार तो मिला कि नहीं? बिल्कुल। तो अभी जैसे वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के ब्लॉक कर दिया जाता है, अरे तो देखिए भीड़ है, जब भीड़ को संभालने के लिए अब गाड़ी किसी को टच हो जाएगी, प्रशासन को ये बात देना पड़ेगा कि नहीं, तो इसके लिए रोक लगा देते हैं, गली गली में हम लोग चलाते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। वो अच्छा करते हैं कि भाई भीड़ जब चल रहा है तो कुछ ना कुछ हम लोग को भी अयोध्या का सम्मान रखना भी तो पड़ेगा। तो कमाई पर उतना कोई ज़्यादा असर नहीं है, 19-20 का बस ठीक है। भाई क्या नाम है आपका? राज मिश्रा। राज मिश्रा भाई, एक बात बताओ कि अभी जैसे अयोध्या सीट पर बीजेपी की जब हार हुई है तो क्या लग रहा है, कमाई पर कुछ असर हुआ है, श्रद्धालु घटे हैं, लोगों का आना जाना कम हुआ है क्या? हल्का फुल्का कम हुआ है जी। जैसे पहले जो माहौल था, लोग अभी अयोध्या के लिए बड़ा गलत सोच रहे हैं, आप में भी सोशल मीडिया यूज किया होगा या चलाते होंगे, तो लोग कमेंट गलत तरीके से कर रहे हैं कि अयोध्या वाले ऐसे हैं वैसे हैं। कमाई पर कुछ असर हुआ है, मतलब जैसे जो पहले कमाते थे? हल्का कम हुआ है जी भैया, नहीं इतना असर नहीं है जी। हाँ भैया,